हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, पर्यावरण की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर दूँ, ये क्लास दोनों लेवल के लिए है, प्राइमरी के लिए तो है ही है, जूनियर अगर आपका SST है तो उसमें भी पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों लेवल के लिए क्लास है अगर आपका SST है तो। ओके, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट किया जाए, सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहला प्रश्न है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो है पौधे हरे होते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो होते हैं वो हरे होते हैं। बताइए सब लोग, एंथोशाइनिन या कैरोटीनाइट या लाइकोपेन या क्लोरोफिल। 121 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। टेट एग्जाम पास करना है बेहतरीन अंकों से तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी, जो भी यूपी टेट फॉर्म की अपडेट आएगी, सी टेट फॉर्म की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखना, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो है पौधे हरे होते हैं, तो ये होते हैं क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण। ओके, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या है। बताइए सब लोग, एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना या कृषि क्रियाकलाप या उपयुक्त सभी। सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। डेली क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, सुबह 8 बजे, दोपहर में 2 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे। तो 3 क्लास रेगुलर होती हैं, तीनों क्लास को आपको देखना है, डेली देखना है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो आपका हो जाएगा एरोसोल कैन का उपयोग भी हो जाएगा, इसमें वनों को जलाने भी हो जाएगा, कृषि क्रियाकलाप भी हो जाएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यूफॉर्बियेसी फैमिली की जो है कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, कॉपर लीफ, जेट्रोफा या कैंडल नॉट ट्री या सर्पगंधा। 123 का जवाब दीजिए सब लोग। यूफॉर्बियेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जो है जानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो आपका जो वृक्ष है डियर, वो आपका है जेट्रोफा। ओके, 123 का यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बायोडीजल के लिए जाना जाता है जेट्रोफा वृक्ष। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है, इसको समानतः किस नाम से जाना जाता है। अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या धनिया। बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 124 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो पौधा है तुलसी का पौधा। ओके, यहाँ पे बी वाला का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलसी का पौधा जो है 24 आवर ऑक्सीजन देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पीने के लिए जो है सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, ताजा जल या पीने योग्य पानी या जो है अशुद्ध जल या नल का पानी। सभी लोग जवाब दीजिए, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। 125 का जवाब दीजिए सब लोग। और इस वीडियो में 50 लाइक होनी चाहिए, होप करता हूँ कंप्लीट हो जाएगी लाइक। बताइए सब लोग, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीने योग्य पानी। ओके, 125 का यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ पे डेली मॉर्निंग में आपको एजुकेशनल जो भी अपडेट रहती है, पेपर की कटिंग रहती है, वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। ओके, इससे क्या होगा, आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की जो है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, मीथेन या मिथाइल आइसोसाइनाइड या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। 126 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, स्टार लगा के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
तो ये हुआ था किसके रिसाव से, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुआ था भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। 126 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण दिवस से 100% कम से कम दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। ईवीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ईवीएस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम दो आपके जो है महत्वपूर्ण दिवस के पूछे जाएंगे। अगर आपका एसएसटी है जूनियर में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी के, उसमें कम से कम तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे महत्वपूर्ण दिवस के। ओके, तो हर एक टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, जितना भी सिलेबस है यूपी टेट का सी टेट का एक एक टॉपिक वैसी क्लास होगी। फॉर्म आने दीजिए, टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कुछ भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कंटेंट आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को या 2 दिसंबर को या 16 सितंबर को या 11 जुलाई को। तो यहाँ पे देखना विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है 16 सितंबर और यहाँ पे दिख रहा है 11 जुलाई। तो ये बताइए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। बताइए सब लोग 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 सितंबर की तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पत्रकार थे या कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे। बताइए सब लोग एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे। तो एम एस स्वामीनाथन एक जो हैं कृषि वैज्ञानिक थे। ये जो हैं किस नाम से जाने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन। ओके, वर्ल्ड में पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। ओके, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पिछली बार के टेट एग्जाम में पूछा गया था। बताइए WII कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, क्वेडम्बूर या न्यू दिल्ली या देहरादून। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये जो स्थित है डियर, ये आपका देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ओके, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे जो है सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट में अभी क्लास के एंड में आपको दिखा दूंगा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, आप लोग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट रहें मुझसे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, ये सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। 130 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पादों को जो है खाने वाले जीवों को कहा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है शाकभक्षी या मांसभक्षी या मृतकभक्षी या रासायनभक्षी। 131 का जवाब दीजिए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपशिष्ट उत्पादों को जो है खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मृतकभक्षी। 131 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तप्त भौम जल के से जो है किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापी ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा या नभिकीय ऊर्जा। बेस्ट बुक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक बेस्ट बुक की वीडियो 3 दिन पहले आई थी, तो उस वीडियो को जाके जरूर से जरूर देख लेना। और प्लेलिस्ट सभी लोग जो है जरूर देख लेना, एंड सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो भी जरूर देख लेना। आप लोग क्या कहें, प्रीवियस पेपर में सॉल्व करवा दूँ, कमेंट बॉक्स में बताना। कल से मैं प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करवा देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। 132 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, देखिए घास स्थल से एक क्वेश्चन टेट में जरूर पूछा जाता है। ओके ना, चलिए 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। सभी लोग जवाब दीजिए,
133 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ओके, 133 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में जो है पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं कहाँ प्रजनन करते हैं, बताइए सब लोग। पेलिकन जो पक्षी होते हैं वो इंडिया में कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये जो है प्रजनन करते हैं आपके जो है कुंतनकुलम में भी, नेलापट्टू में भी एंड कोकोरो बेलूर में भी। ये सभी आपके आंसर सही हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैडमियम या ऑर्सेनिक या पारा या ये सभी पाए जाते हैं, बताइए। मिनीमाता एक रोग है जो जो है मछली खाने से होता है। अगर मछली में कैडमियम की अधिक मात्रा हो या ऑर्सेनिक की या पारा की, तो मिनी माता रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। किसकी मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है ये आपको बताना है, तो वो आपका है पारा। ओके, पारा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है मछली में, इस वजह से मिनी माता जो रोग है वो हो जाता है। यहाँ पे 135 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का जो अधिकतम हाश होता है निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर या उपरी में से कोई नहीं? राइट आंसर दीजिए सब लोग। 136 का, ओजोन परत का अधिकतम हाश निम्न में से किस पर हुआ है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर कर दो सब लोग। ओजोन परत का अधिकतम हाश निम्न में से किस पर हुआ है? ये हुआ है आपका जो है दक्षिणी ध्रुव पर। ओके ना, 136 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, बताइए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे हीरालाल जेकोनिया। ओके, यहाँ पे 137 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से या वायु प्रदूषण से, बताइए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? और स्टार लगा के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो देखिए, रेड डाटा बुक एक क्या होता है, ये एक सार्वजनिक दस्तावेज है, ठीक है ना। क्या है? सार्वजनिक दस्तावेज है। इसमें जो है जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, कवक हो गए, इनको क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड करके इसमें जो है रखा जाता है रेड डाटा बुक में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, इनमें से जो है कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? रेखा शर्मा है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सेनापति के द्वारा? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 140 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? भाग 3 में या 6 में या 4 में या 9 में, बताइए सब लोग। तो ये आपका है भाग 9 में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, 74वें जो है संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से या शहरी स्थानीय स्वशासन से या संसद की शक्तियों से? एक भाग 4 बहुत पूछा जाता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है भाग 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है डियर, शहरी स्थानीय स्वशासन से है। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। 143 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो वो आपका है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, या इंग्लैंड से, या आयरलैंड से? बताइए सब लोग, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन विचार। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, या भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, या लोकसभा सचिवालय? 145 का जवाब दीजिए सब लोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के इस चुनाव हेतु अधिसूचना जो जारी किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 145 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, या विशेषाधिकार काल, या प्रश्नकाल? बताइए क्या कहा जाता है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को? तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, 146 का यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कितने बजे से कितने बजे तक होता है प्रश्नकाल? ये होता है 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर में। ठीक है, चलिए, वर्षा जो है जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, या प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, या वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए वर्षा जल संग्रहण जो है क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण डियर क्या है? ये एक वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, यही वर्षा जल संग्रहण है। 147 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, या गिर? तो वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, ये आपका उत्तराखंड में है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? बताइए कौन सा सही इसमें? तो इसमें सबसे पहले आएगा उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, या मीथेन? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ग्रीन हाउस पूछा जा रहा है, कन्फ्यूज मत होना। अगर केवल पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78%। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे 150 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके शो फ्रेंड्स, ये थी आज की ईवीएस की क्लास, पर्यावरण की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास अपना जो है फीडबैक जरूर देना, और ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, ओके, और टेट एग्जाम का जो फॉर्म है डियर आपका जो है नवंबर लास्ट में देखने को मिल जाएगा, और सीटेट आपको जो है पहले देखने को मिल जाएगा। सीटेट फिक्स है दिसंबर में होना, इसका भी हालांकि जनवरी में ही होगा टेट वाला, बट तैयारी में अभी से जुट जाएं। टेट और सीटेट में बहुत अंतर है, समझें आप लोग, सिलेबस को समझें, एग्जाम पैटर्न को देखें आप लोग, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। सीटेट क्या होता है, आप लोग अंतिम दिनों में पढ़कर पास कर सकते हैं, बट टेट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि कंटेंट पूछे जाते हैं। सीटेट में क्या है कि अगर आप लोग एक महीने भी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो सीटेट आसानी से आप लोग क्रैक कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्र लगा के जाएंगे ना, तो सीटेट आप लोग पास कर लेंगे। और टेट में क्या होता है, तैयारी कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे, जीरो से मैं बता रहा हूँ। ओके ना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना स्कोर जरूर बताना और अपना फीडबैक भी आप लोग जरूर दिया करें। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, यूपी टेट सीटेट एग्जाम 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, जुड़े रहें,
हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे मैं यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा ताकि आप लोगों का भी पहले ही प्रयास में यूपी टेट भी क्वालिफाई हो और सी टेट भी क्वालिफाई हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।